तो आज की हमारी जो सेकंड क्लास है C++ की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वही डेव C++ का कंपाइलर खोलना है, और फिर हमने एक नई फाइल को शुरुआत करनी है कंट्रोल एन से, और फिर उसको हैश इंक्लूड करके यहाँ पे IO स्ट्रीम करके यूजिंग नेम स्पेस सी और इंटीजर मेन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0 कर लेते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख के सिस्टम को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, कल हमने सीखा था ताकि वो हम जब प्रोग्राम अपना डायरेक्ट चलाएं तो वो थोड़ी देर रुक जाए प्रेस एनी की कंटिन्यू तक, ताकि वो आगे चले। तो क्लास 02 कर देते हैं यहाँ पे, और फोल्डर हमने कल बना रखा था अपना ब्लॉसम के नाम से, यहाँ जाके क्लास 02 और उसका नाम रख लेते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है, तो कल हमने सीखा था कि किस तरीके से डेटा को डायरेक्टली शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने सी आउट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सी आउट लेस देन लगा के, और मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो उसको डबल कोट्स में दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसमें हम लिख देते हैं स्ट्रिंग डेटा डिस्प्ले हियर। ठीक है, और ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट बन जाएगा। न्यू लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड लाइन ले लेंगे सी आउट करके। अगर कोई इंटीजर नंबर है, डायरेक्टली नंबर अगर आप डायरेक्टली दिखाना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से दिखा देगा, और न्यू लाइन। और फिर अगर आप कुछ नंबर्स जो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं एज इट इज, उनको डायरेक्टली डबल कोट्स में लिखेंगे, कंसीडर स्ट्रिंग किए जाएंगे, पर होंगे वो नंबर्स ही, लेकिन कंसीडर वो इंटीजर्स किए स्ट्रिंग किए जाएंगे। और अगर आप इसको न्यू लाइन पे जाके उन्हीं नंबर्स को अगर आप डायरेक्ट विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे तो वो उनको बीच में जो भी ऑपरेशन आप लगाएंगे तो उसको ऐसे परफॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर ये इसको, अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट कुछ पास की स्पेलिंग, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर मैंने सेट कर लिया, और F11 करके जब प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर देखें कि ये जो मैंने मैसेज डिस्प्ले किया था ये एज इट इज आ गया, फिर ये जो 700 दिखाया एज इट इज आ गया, फिर जो मैंने ये 800+900 दिखाया एज इट इज आ गया, और यहाँ पर जब मैंने लिखा सी आउट 800+900 तो इसने इसको प्लस करके यहाँ पे दिखा दिया। तो 800 और 900 मिलके हो गए 1700, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं आउट हो जाता हूँ इस प्रोग्राम से। तो यहाँ पे मैं एक और एंड लाइन इसके साथ एक कंपलसरी कर देता हूँ ताकि ये रिजल्ट के साथ थोड़ा उसके साथ। तो एंड सी आउट फंक्शन जो है ये हमारा आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी चीज़ हम आउटपुट कराना चाह रहे हैं, वेदर वो कोई इंटीजर है, कोई स्ट्रिंग है, या फिर वो कोई कैलकुलेशन है, तो उसको आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आगे हमारा एक टॉपिक आता है जिसके हम कहते हैं वेरिएबल्स। लेकिन उससे पहले हम जरा इन कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा डिस्कस करें तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें प्लस है माइनस और मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक यूज होगा, डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होगा, और मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये, इसको कहते हैं मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये क्या काम करता है, रिटर्न करता है रिमाइंडर। थोड़ा सा इनकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे अपने सी प्रोग्राम को कुछ ना कुछ अब आउटपुट देंगे और वो उसको परफॉर्म करेगा। सी आउट लेस देन, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 200/2, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सही है ना। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको और भी गाइड करता हूँ कि सी आउट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं नई नई हर दफा न्यू लाइन पे लिख रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के दोबारा सी आउट को यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे दोबारा से 200/2 लिख देता हूँ। ठीक है, होगा ये कि ये 200/ ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसी के साथ 200/2 का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आउटपुट में कुछ हमें इस तरह से ये रिजल्ट दिखाई देगा। अब 1700 इसलिए साथ आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे क्या नहीं लगाया, एक एंड लाइन नहीं लगाया। तो एंड लाइन कहाँ पे लगाना था, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एंड लाइन लगाने के बजाय इसके आगे एक टैब देके यहाँ पे भी सी आउट एंड लाइन ऐसे करके लगा सकता हूँ, और देखिए ये भी कोड मेरा उसी तरह से काम करेगा। यानी कि अब थोड़ा सा आपको मैं इसमें अपग्रेड कर रहा हूँ कि कोड और किस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात ये। तो देखें, ये एक कैलकुलेशन लिखी भी आ रही है, ये उसका आंसर आ रहा है, सही। अच्छा, अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एंड लाइन लगा दिया। अच्छा, अब एंड लाइन हम एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक एंड लाइन और ऐड कर लेते हैं, सी आउट लेस देन एंड लाइन, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन लगा देते हैं, सपोज 500*2, और यहाँ पे हमने उसी कैलकुलेशन को ऐसे लिख दिया 500*2, और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आ रहा है।
तो देखिए 500 इनटू 2 का आंसर आ रहा है 1000। मतलब ये स्टेटमेंट दो तरह से परफॉर्म हो रही है, ये स्ट्रिंग को परफॉर्म कर रही है और ये इंटीजर पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अब डिवीजन का ऑपरेशन करना हो तो कैसे करेंगे? अब जब डिवाइड करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक तो एस्पेक्ट ये होगा कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं 600 डिवाइड बाई 2 लिखा था तो आंसर आ रहा था, मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से लेता हूँ और यहीं पर लिखता हूँ आपके सामने, 600 डिवाइडेड बाई 2 की जगह, बल्कि मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ कि इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें आंसर हमारे पास क्या रहा था, 100, और जब मैं यहाँ लगाऊंगा मॉड ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखिए मैं मॉड ऑपरेटर लगा देता हूँ और आपको समझाने के लिए भी यहाँ पे परसेंट का साइन जो कि मॉड ऑपरेटर यूज होता है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये डिस्प्ले हो जाएगा और ये इसका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट देखिए थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट होगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है 0 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 100। अब इस पे ऐसा क्यों हो रहा है? मोड ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये आ गए पैरेंट के अंदर और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिया एक ब्रश टूल। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखें जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा, 50। दिस इज कॉल्ड आंसर, ठीक है, क्वेश्चन जिसको हम कहते होते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, तो ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0, इसको हम क्या कहते हैं, जो 0 0 बचा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको ये आंसर मिलेगा, और जब आप लिखेंगे 100% मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस 2, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, वेदर वो जो भी रिमाइंडर में बचेगा वो आंसर में आएगा, 0 या 1 या 3, जो भी उसके रिमाइंडर में आएगा। कैलकुलेशन को चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 3 और 3, और यहाँ पर भी मैं आपको आउटपुट थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, 3 3 3 0 हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं तो आप देखेंगे अब आंसर आपका क्या आ रहा है रिमाइंडर में, 1। तो रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा मॉड ऑपरेटर, और डिवीजन के बाद आपको हासिल होगा क्वोशेंट, और इनका प्रोडक्ट चाहिए होगा तो बीच में स्टैरिक का साइन आपको लगाना होगा, बाकी प्लस माइनस तो डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, सही, ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से सी डायरेक्टली कैलकुलेशन को परफॉर्म कर देगा, आप जो भी इसको कैलकुलेट दे, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन दे दें वो कर लेगा। अब इसके ऊपर एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं डीमास। मैथमेटिक्स को रूल को जब सॉल्व करते हैं तो एक रूल आता है डीमास और एक आता है बोडमास, ठीक है, याद है ये कुछ? हाँ, अगर हम इसको बात करते हैं डिवीजन, तो ये हो जाता है डिवीजन और ये हो जाता है मल्टीप्लीकेशन और फिर आ जाता है एडिशन और फिर आता है सब्सट्रक्शन, सब्सट्रक्शन, ठीक है। और बोडमास में ये तो सेम रहते हैं, बोडमास में क्या आ जाता है, बी से क्या आता है, ब्रैकेट्स आ जाता है, बार, हाँ वो इसी का पार्ट है ना, बार ब्रैकेट्स आएगा, तो ब्रैकेट्स और ओ से भी शायद कुछ आता है, मैं ले लेते हैं इसको, नहीं ऐसे याद नहीं रहता ना बहुत सारी चीजें, तो एक्रोनियम है इसका ब्रैकेट्स ऑर्डर, ठीक है, पेड मास भी है। तो सी प्लस प्लस भी इन्हीं दोनों फार्मूला को फॉलो करता है, जब आप एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन लिखेंगे तो इन फार्मूलाज को सॉल्व करेगा वो, ठीक है। तो आ जाते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं और मतलब मैं यहाँ पे इस तरह से लेता हूँ, अब थोड़ा सा कोड को और कंसाइज करके लिखना बताता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर सी आउट लिखा, लेस देन लिखा, अब अगर मुझे न्यू लाइन यहाँ पे लेना है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एन, दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन डबल कोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो इनको हम स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर में, स्कैप सीक्वेंस, ये सी का कोड है बेसिकली, सीक्वेंस कैरेक्टर्स, और इसमें हमारे पास है फॉरवर्ड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आएगा, फॉरवर्ड स्लैश बी बैक स्पेस, जितनी बार लगाएंगे एक बैक स्पेस हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश टी फॉर टैब, यानी कि 10 स्पेसेस एक साथ, ठीक है। तो ये तीन आप यूज करते हैं इसके अंदर, एन बी टी, ओके। तो ये हमने फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दिया, तो ये अब अगली स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा ना आगे वो न्यू लाइन पर ही आएगी, यानी कि न्यू लाइन आगे चले तो उसमें मैंने क्या लिख रहा है, कैलकुलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, छोटी सिंपल बनाते हैं, 3 × 3 / 2 - 5 + 10, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, अगर रूल के हिसाब से देखें
तो इस सब में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो थ्री और टू का डिवीजन होगा, आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। वन के बाद थ्री वन वन हो जाएगा, वन में फिर बचेगा एडिशन, इलेवन और फाइव माइनस होगा तो आंसर आना चाहिए समथिंग सेवन एट। चलो अब यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ कैलकुलेटर पर चले जाते हैं, इसको बताते हैं कि भाई ये सॉल्व करना है। थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस फाइव प्लस टेन, 9.5 समथिंग आ रहा है इसका आंसर। ओके अभी कहते हैं सी से इसका आउटपुट बनाओ, तो हम इसको लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी आउट दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करवा रहा हूँ। कैसे, ये देखिए लेस देन शॉर्ट नोटेशंस कर दिया मैंने, इसको शॉर्ट नोटेशन में किया तो सी आउट को दोबारा नहीं लिखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं खत्म किया, तो ये मेरी एक ही स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी और यहाँ पे आगे जाके मैंने ये परफॉर्म करवा दिया इससे। ठीक है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क हुआ, इस स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है लिखी हुई एक लाइन पर है, पर ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, बल्कि अगर कंसिडर यहाँ से करें तो ये तीन स्टेटमेंट है, ईच स्टेटमेंट डिटर्मिनेटर पे आपको करनी है, और ये तीन स्टेटमेंट की मैंने कितनी स्टेटमेंट बना दी, एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया लेस देन को, जितनी बार आप सी आउट को लगाना चाह रहे थे उतनी बार आप लेस देन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात फिर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिर्फ लास्ट में ही लगाएंगे, तो आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है इसका, तो नाइन आंसर आ रहा है। 9.5 क्यों नहीं आ रहा है, ये हमें होल नंबर्स पे शो कर रहा है, इंटीजर्स मींस होल नंबर नॉट डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल के लिए भी आगे चल के आएगा तरीका क्या है। तो इस तरह बोर्ड मास डी मास के फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा होता है। अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हैं और उसका थोड़ा सा रिजल्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इसके रिजल्ट कैसे चेंज करेंगे, बोर्ड मास को अप्लाई कर लेंगे। भाई पहले हम क्या परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, पहले हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तो वी पुट मल्टीप्लीकेशन इन ब्रैकेट। ओके अच्छा, उसके बाद लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को फिर कराना चाह रहे हैं तो वी पुट सब्ट्रैक्शन इन टू ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाएंगे, अब रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन कॉपी करके यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जब रन करूंगा मैं इसके साथ, सेवन आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बोर्ड मास में पहले उसने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर उसके बाद वही डी मास का फार्मूला उसने अप्लाई कर दिया। तो सी भी उसी मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है जो हम आम लाइफ में कर रहे होते हैं, रूटीन लाइफ में। तो ये आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हो रही होती है। तो आपने ये ऑपरेटर्स के बारे में भी समझ लिया, सही। अब आते हैं एक टॉपिक दूसरा जिसका नाम है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हम चलते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे हम समझ लेते हैं। वेरिएबल के बारे में ये है कि मैंने वो फाइल बनाई रखी थी, उसको खोल लेता हूँ, उसमें लिखा हुआ होगा सारा का सारा। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं कंपाइलर, कन्वर्ट, कीवर्ड और स्टेटमेंट, सोर्स फाइल, यहाँ से शुरू हो गया था हमारा टॉपिक वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट होगा। आप सी पढ़ें, सी प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, विजुअल बेसिक पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, व्हाटएवर, सब में आपको वेरिएबल से मुतारफ कराया जाएगा। अभी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है कि एक होता क्या है और काम इसका क्या है, विच जो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आइए इसके ऊपर, जितना कोड हमने लिखा अपने प्रोग्राम में, ये वैल्यूज कहाँ स्टोर हो रही है, कहीं भी स्टोर नहीं हो रही, ये डायरेक्ट लिखी हुई वैल्यूज है, कहीं स्टोर नहीं हो रही, ये डायरेक्ट मेमोरी में असाइन हो रही है। ठीक है ना, मतलब आपने जब विंडोज सीखना शुरू किया था तो आपको मैंने एक टॉपिक बताया था फोल्डर, दूसरा टॉपिक था फाइल्स। तो फोल्डर और फाइल में क्या फर्क था, फाइल्स में डेटा रखते थे और फाइल्स को फोल्डर में रख देते थे। तो फोल्डर जस्ट लाइक वेरिएबल, वेरिएबल इज अ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर डेटा, किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वेरिएबल की इस्तेमाल क्यों है, वेरिएबल की इस्तेमाल यूं है कि एक छोटी सी एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे और फिर आपको ये समझ में आ जाएगी बात। पहली छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि मैंने अगर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे इस तरह से लिखा सी आउट लेस देन, और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है ना, न्यू प्राइस, और उसके आगे मैंने लेस देन लगाया और एक इंटीजर वैल्यू डाल दी 100, और उसके आगे फिर मैंने लेस देन लगाया, देखें और नोटेशन कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे डबल कोट्स लगा के मैंने, बल्कि डबल कोट क्यों लगाया, एंड लाइन भी दे दिया, सही है। ये एक स्टेटमेंट मैंने बनाई, अब यहाँ पे तो मैंने न्यू लाइन दिया नहीं था, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन यहाँ पे भी ऐड कर दिया, सही है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने एक कॉलन भी नहीं लगाया, स्पेस दे देते हैं, कॉपी किया, और इस स्टेटमेंट को मैंने
पांच छह दफा प्रिंट कर दिया, तो जब पांच छह दफा प्रिंट किया है तो आउटपुट भी सेम ही आएगा। कंट्रोल एस एंड एफ फाइव हम करेंगे यहां से, तो इसका आउटपुट भी सेम ही आ रहा है। हाँ, अब इफ यू वांट टू अपडेट दिस थिंग, यू समझे, एक प्रोग्राम में आपने एक स्टेटमेंट को मुख्तलिफ जगहों पे सेम लिखा है, न्यू प्राइस 100, न्यू प्राइस 100, अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं 125, तो कहां कहां अपडेट करेंगे? और अगर ये प्रोग्राम में हमने 20-30 जगहों पे किया हुआ तो प्रोग्राम के मुख्तलिफ लोकेशंस में जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। हेयर्स कम द यूजेज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहां पर आप वेरिएबल से काम लेते तो ये काम आसान हो जाता। कैसे? तो मैंने यहाँ आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है, पहले तो आपको पता चल गया, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट है, एलिमेंट माना पार्ट है उसका, और इसका काम है डेटा को स्टोर करना, डेटा के लिए वैल्यू के लिए बात एक ही है। वेरिएबल क्रिएट्स इन मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में बनते हैं, और वेरिएबल की वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये तीन हकीकतें हैं वेरिएबल के बारे में, एलिमेंट होता है, काम इसका पर्पज जो है वैल्यू स्टोर करना है, और इसकी एक हकीकत यह है कि इसकी वैल्यू प्रोग्राम चलने के दौरान अपडेट हो सकती है, मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी वैल्यू अपडेटेड, ये प्रूफ करेंगे आगे चल के। ये तीन हकीकत वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल कैन होल्ड, अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है। वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, अगर आप उसको दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो पहली वैल्यू को लूज कर देगा। वेरिएबल नेम गाइडलाइन ये है कि इसका स्टार्ट नाम स्टार्ट लेटर से होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, और विदाउट स्पेस होना चाहिए, और विदाउट सिंबल, लेकिन एक सिंबल यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। नेम शुड नॉट बी अ रिजर्व वर्ड, कोई भी सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का कमांड का नाम, वेरिएबल का नाम आप नहीं रख सकते, मतलब इंक्लूड नहीं रख सकते, सी आउट नहीं रख सकते, रिटर्न नहीं रख सकते, और उसका नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब एक वेरिएबल का नाम पहले से मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल LCD, तो दूसरा वेरिएबल LCD के नाम से नहीं बनेगा, उसमें आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, LCD2, या फिर आप उसको रखेंगे LED, या रखेंगे LLCD, या LCCDD, इस तरह से ये चीजें इसके लिए जरूरी है। वेरिएबल का अपोजिट होता है कॉन्स्टेंट, जो कि कहलाती है फिक्स वैल्यूज और नॉन चेंजेबल वैल्यूज। जब भी बात वेरिएबल की आएगी, जैसे बॉय तो गर्ल, मैन तो वुमेन, तो इस तरह मेल फीमेल, तो इस तरह वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट। फिक्स वैल्यूज और नॉन चेंजेबल वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकते हैं, नंबर वाले भी हो सकते हैं, कांस्टेंट स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स आ गया, वैल्यूज आर द डेटा, ये चीज आ गई। अब डेटा क्या होता है जो वेरिएबल में स्टोर हो रहा होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर बिफोर प्रोसेसिंग। कोई भी चीज, कोई नाम, कोई नंबर, ये सब डेटा है जो अब तक प्रोसेस नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, वो डेटा है, और इस डेटा को स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। दो तरह का डेटा स्टोर होता है, एक वेरिएबल में स्टोर होता है, एक कांस्टेंट डेटा होता है। कांस्टेंट डेटा फिक्स रहेगा, जो प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज नहीं होगा। वेरिएबल डेटा चेंजेबल होगा, जो प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज हो जाएगा। बेसिक डेटा टाइप जो है वो कौन कौन सी है? किसी भी प्रोग्राम में डेटा स्टोर हो सकता है इन तीन हालतों में। अल्फाबेट, यानी कि किसी के नाम का डेटा, जो नाम हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, और दूसरी हालत है उसकी न्यूमेरिक, यानी कि नंबर टाइप में, जो नंबर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी एज हो सकता है, और तीसरी हालत है अल्फा न्यूमेरिक, जो दोनों से मिलके बनेगा, जिसमें नंबर्स और ये शामिल होगा, जिसको कॉम्प्लेक्स डेटा कहते हैं, जैसे कि मॉडल नंबर ABC123S700। ठीक है, तो वेरिएबल की टाइप अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इंटीजर होती है, होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी थोड़ा इस पे चलते हैं कि एक वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का हमें बनाना है जो एक होल नंबर को स्टोर कर सकता है तो किस तरह बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ हम लिखते हैं एक वेरिएबल, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो INT कमांड है एक इंटीजर वेरिएबल बनाने की, जो होल नंबर को स्टोर करने की सलाहियत रखेगा, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे सपोज टू बी माई वॉयल, ये इसका नाम हो गया, सेमी कॉलन लगाएंगे, ये स्टेटमेंट कहलाएगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगली लाइन पे इसके अंदर एक वैल्यू असाइन करनी है, तो हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे माई वेल, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू बिठा देते हैं, लेट सपोज 125। दिस स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, पहली लाइन पर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और फिर उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। इस निशान को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम ये है राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पर असाइन कर देना। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करने का तरीका ये है कि इस वेरिएबल के नाम को सी आउट स्टेटमेंट के साथ लिख देंगे। तो जहां जहां मैं इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा वहां वहां पर आउटपुट में इसकी वैल्यू शो हो जाएगी और अब आप देखेंगे कि आपका सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, सही है। और आप यू नीड टू अपडेट अगेन, तो आप यहां पे जाके 205 लिखेंगे और यहां पे जाके फिर से कंपाइल कर देंगे और सब जगह पे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको सिंपल ये बताया कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और एक इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं और उसका आउटपुट कैसे ले सकते हैं। सिंपली अगर हम इसका आउटपुट ऐसे भी ले सकते हैं, सी आउट लेस देन लेस देन न्यू लाइन लेस देन लेस देन, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँ सपोज टू बी माई वेल, और ये इसका आउटपुट दे देगा। और उसके बाद अगर मैं दोबारा से एंड लाइन कर दूँ तो ये फिर अगली लाइन पर मुझे शो कर देगा, सही है। वेरिएबल के आउटपुट को स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते थे हम, कैसे करते हैं कि यहाँ पर मैं माई वेल से पहले तो डबल कोट्स लगाऊँ, माई वेल वैल्यू लिख कर यहाँ पर दो लेस देन और लगा दूँ तो ये भी इसका आउटपुट बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं और मैथमेटिक्स के रूल को सी कैसे फॉलो कर रहा होता है, इंटीजर वेरिएबल कैसे डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, फिर उसका आउटपुट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। और शॉर्ट रोटेशन को भी देखा कि कैसे हम शॉर्ट रोटेशन में डेटा को आउट कर सकते हैं।